फॉर्चून पार्क जो कि है आसनसोल वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। ये हमारे लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं कि चंद्रचूर मंदिर है और ये हम लोग का लिविंग एंड डाइनिंग रूम है आसनसोल में। मैं जैसे बता रहा था आपको शुरू से कि आसनसोल में एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन होने जा रहा है और यहाँ का एटमोसफेयर आप देख पा रहे हैं। बगल में हाईवे है और यहाँ पर मिल जाएगा 4 लाख से काम है। अभिषेक और आप देख रहे हैं गनलेट चैनल। तो आज वीडियो में डॉग रिलेटेड कुछ वीडियो नहीं रहेंगे, इसमें आज रहेगा एक प्लॉट या कॉम्प्लेक्स रिलेटेड वीडियो। जो हम लोगों के साथ है मिस्टर मिथुन पाल, जिन्होंने आपको टोटल जो प्रोजेक्ट है हम लोग का सब कुछ दिखाएंगे और हम लोग अभी इंट्रोड्यूस करा देते हैं मिस्टर मिथुन पाल। तो ये है मिथुन पाल, जिन्होंने हम लोगों का अभी प्रोजेक्ट दिखाने वाले। तो गाइस रेडी टू वॉच, चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। हे गाइस, माय नेम इज मिथुन पाल और जैसे कि अभिषेक बता रहा था कि मैं आपको प्लॉट और डुप्लेक्स के बारे में सारा प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं खड़ा हूँ प्रोजेक्ट के बाहर। इस प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान रेसिडेंसी और इसको ओन करते हैं फॉर्चून पार्क के ओनर चंदन शर्मा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग के पीछे साइड आपको जैसे हाईवे का साउंड मिल ही रहा है। आप अगर राइट साइड में मेरे देख रहे हैं, अगर राइट साइड में देखते हो तो ये धनबाद जाने वाली रोड है और धनबाद से आने वाली रोड है। ये हम लोग का सर्विस लेन है और सर्विस लेन के ऊपर ही जस्ट हम लोग का ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये बना हुआ है। आप नियर बाय आसनसोल अगर सर्च करते हैं हिंदुस्तान रेसिडेंसी तो आपको 6 से 7 किलोमीटर के अंदर मिल जाता है। बाकी सारा जो मैं बता रहा था जैसे आपको मैं बताऊंगा डिस्टेंस वगैरह सारा एमिनिटीज क्या है, हम लोग फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं तो वो सारा हम लोग आगे देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं मिथुन पाल और आप देख रहे हैं आसनसोल का जुबली पेट्रोल पंप जुबली मोड़। ये हमारे राइट साइड में अगर आप उधर से आसनसोल से आते हैं लेफ्ट में पड़ेगा आपका आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज। ये कॉलेज हम लोग का बहुत पुराना कॉलेज है और आसनसोल के निवासी जानते ही होंगे, बाहर के निवासी भी जानते हैं। और अगर आप आसनसोल की तरफ से आते हैं तो राइट साइड में आपका आता है ये जुबली पेट्रोल पंप। और हम सबसे बड़ी बात है एक चीज बताने आए हुए हूँ आज कि हम लोग का यहाँ पर एक न्यू एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। ये हो रहा है हम लोग का फॉर्चून पार्क। क्या नहीं बोला तूने? फॉर्चून पार्क जो कि है आसनसोल वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और आप देखने वाले हैं हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा सा वीडियो हम जो कि इस पे कवर करेंगे वीडियो पे। ये हम लोग का जो आपको फ्लाईओवर नजर आ रहा है ये फ्लाईओवर है हम लोग का। अगर आप राइट साइड जाते हैं टूवर्ड कोलकाता और लेफ्ट साइड अगर जाते हैं तो ये आपका है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। धन्यवाद। तो चलिए गाइस ज्यादा देर ना करके आपसे अभी थोड़ी देर के लिए अलविदा लेते हैं और हम लोग फॉर्चून पार्क की ओर बढ़ते हैं। तो नमस्कार गाइस। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये है हम लोग का फॉर्चून जाने के लिए आपको यहीं से यू टर्न लेना पड़ेगा। ये हमारे लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं कि चंद्रचूर मंदिर है और आपको यहाँ पर थोड़ा रुक के तो गाइस सेफली आपको यहाँ से टर्न लेकर आपको यू टर्न लेना है। जैसे आप यू टर्न लेंगे हमारे फॉर्चून पार्क की ओर आप इस सर्विस रोड में आपको एंटर करना है। और जैसे ही गाइस हम लोग इस सर्विस रोड पे एंटर करते हैं हम लोग फॉर्चून पार्क की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस थोड़ी देर बाद आपको जस्ट फॉर्चून पार्क के पास हम लोग सब बात करते हैं। सो गाइस हम लोग फॉर्चून पार्क के एकदम पास आ चुके हैं। अगर आप लेफ्ट साइड में यू टर्न लेने के बाद जाते हैं ये हमारा माता काली का मंदिर है और जैसे ही थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं
आगे बढ़ने के बाद आप देखिएगा यहाँ आनंद धारा निवास का बोर्ड लगा हुआ है और फॉर्चून पार्क जो है हम लोग का राइट साइड में ऑफिस है। अगर आप आते हैं तो राइट साइड में ऑफिस आइए और किसी भी एक एम्प्लॉय से कांटेक्ट कीजिए, आपको सारा प्रोजेक्ट वो दिखा देगा। Something I can't undo. I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. So guys, हम लोग फॉर्चून पार्क के अंदर आ चुके हैं और ये हमारे बाएं साइड में आप देख रहे हैं और दाएं साइड में देख रहे हैं जमीन, घर और फ्लैट जो कि बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फैमिली यहाँ पर रह भी रहे हैं, जो कि लगभग आपका 30-40 के आसपास फैमिली यहाँ पर रह भी रहे हैं। और बगल में देखिए बहुत सारा यहाँ फ्लैट नया कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। तो सो गाइस, हम लोग थोड़े आगे और की ओर बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं अक्षरधाम न्यू सोसाइटी की तरफ। सो गाइस, देख पा रहे हैं जैसे हम लोग अक्षरधाम सोसाइटी के अंदर है और ये हम लोग का होने वाला है पूरा गेटेड सोसाइटी, जो कि हम लोग का सबसे अच्छा और खूबसूरत एक प्रोजेक्ट होने वाला है। तो फ्रेंड, हम लोग अब अक्षरधाम की ओर से निकलकर हम लोग चलते हैं, जो कि जैसे मैं बताया था आपको कि हम लोग चलेंगे हिंदुस्तान रेसिडेंसी की ओर, जहां पर अभी न्यू एवोल्यूशन अगर बोले जाए आसनसोल के अंदर तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। वहां पर आपको मिल जाएगा डुप्लेक्स जो कि है हम लोग का 2 कट्ठा और 2.25 कट्ठा के ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो कि 1350 और 1650 स्क्वायर फीट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, ज्यादा देर ना करकर हम लोग चलते हैं हाईवे की ओर और पहुंचते हैं हिंदुस्तान रेसिडेंसी। वेलकम बैक। जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको हिंदुस्तान रेसिडेंसी के बारे में मैं सारा अभी डिटेल्स दूंगा, क्या एमिनिटीज़ है और क्या क्या फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग का रोड क्या है। हम लोग जैसे सर हम लोग अभी खड़े हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि इस साइड में हम लोग का जस्ट नियर बाई ही NH2 है और आप देख पा रहे हैं कि NH2 से लगा हुआ सर्विस रोड के ऊपर हम लोग का बना हुआ है प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट में हम लोग अभी तक अवेलेबल जो था वो था सारा हम लोग का डुप्लेक्स और प्लॉट। तो हम लोग जैसे डुप्लेक्स के बारे में बताएंगे, अब चलते हम लोग डुप्लेक्स की ओर। ये रोड का स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, रोड जो है हम लोग का, ये हम लोग का 40 फुट का मेन रोड है और ये हम लोग का 36 फुट का हम लोग का डुप्लेक्स जाने के लिए रोड है। और जैसे कि मैं बता रहा था, इधर से आप सामने रोड भी इंटर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब डुप्लेक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, डुप्लेक्स की ओर आते हैं, आप देख सक रहे हैं इस साइड में हम लोग का प्लॉट है और इस साइड में हम लोग डुप्लेक्स कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग डुप्लेक्स कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। हम लोग डुप्लेक्स का प्रोवाइड करते हैं, अभी दो टाइप में प्रोवाइड करते हैं। पहला तो आपका होगा 1350 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन, जो कि जमीन होगा हम लोग का 1200 स्क्वायर फीट का। और एक प्लॉट है हम लोग का जिसमें 1440 स्क्वायर फीट जमीन के ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं 1650 स्क्वायर फीट का। दोनों 3 BHK के हैं फ्रेंड, आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। और यहाँ का एटमोसफेयर आप देख ही पा रहे हैं, बगल में हाईवे है और चारों तरफ वादियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख ही पा रहे हैं हम लोग का जो डुप्लेक्स कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देन ये हम लोग का हो रहा है, वहाँ हो रहा है, इसमें से ऑलमोस्ट कुछ बुक हो भी चुका है और कुछ बुक हो रहा है। कस्टमर का यहाँ बहुत आना जाना है, आप दाया बाया देख ही सकते हैं कि बहुत सारा कस्टमर आना जाना कर ही रहा है, कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। आप सारा कुछ देखिए,
हम लोग चलते हैं डुप्लेक्स की ओर से। ये डुप्लेक्स का रास्ता है, आप यहाँ से एंटर कर देंगे, डुप्लेक्स आपका सामने है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि सामरी रोड जो है हम लोग का, इस तरफ से एक गेट है हम लोग का जो कि सामरी रोड पे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। और फिलहाल हम लोग चलते हैं अभी डुप्लेक्स की ओर, फिर हम लोग उसके बाद चलेंगे एमली डिस्क की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स आइए हम लोग डुप्लेक्स की ओर बढ़ते हैं। हम लोग आ चुके हैं वो अभी है आपका ये वाला पौने दो कट्टा के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है ये हम लोग का है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ तक आपका ये जो रेड वाला वृक्ष गिरा हुआ है यहाँ तक आपका बाउंड्री होगा। यहाँ से वो बाउंड्री है, ये आपका जो है ये आपका ओपन एंड साइड है, बोथ साइड आपका ये गैरेज रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपका एंट्रेंस स्टार्ट होता है। तो आइए फ्रेंड वेलकम। तो ये जो देख पा रहे हैं आप, ये हम लोग का लिविंग एंड डाइनिंग रूम है। इस पर हम लोग जिस साइड में हम लोग डाइनिंग कर सकते हैं और इस साइड में हम लोग लिविंग एरिया बना सकते हैं। और जैसे कि फ्रेंड मैं बता रहा था ये 3 BHK दोनों मॉडल है, 1350 या 1650। ये जो देख पा रहे हैं गाइस ये हम लोग का किचन है, जो कि हम लोग किचन बना रहे 5x7 का। आइए फिर, और ये जो है हम लोग का, ये जो आप देख पा रहे हैं ये रहा आपका 10x16 का। और ये हम लोग का एक कॉमन वॉशरूम बन रहा है, इससे आप कॉमन वॉशरूम यूज कर सकते हैं। ये है आपका 4.5x7 का। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये स्टेयर है ऊपर जाने के लिए। और ये एक रूम है जो कि है आपका 10x12 का। इसके ऊपर जो रूम होगा गाइस वो भी आपको एक्टर सेम मिलेगा, जो कि होगा 10x12, 10.5x12 ऐसा टाइप का दो रूम आपको ऊपर मिलेगा। प्लस ऊपर आपको, आइए फ्रेंड हम लोग थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन कर ही रहे हैं, ये जैसे हो रहा है हम लोग का, यहाँ पर एक आपका छत बनेगा, छत के ऊपर सारा आपको ये यूटिलाइज मिलेगा। इसके ऊपर और एक रूफ टॉप बना रहे हैं हम लोग, जो कि आपका डुप्लेक्स का फाउंडेशन होगा। आप यहां से अगर बगल पर देख पा रहे हैं और भी सारा कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है। फिलहाल हम लोग इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आपको अब टोटल एमिनिटीज के बारे में बता देते हैं हम लोग क्या क्या एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रहा था टोटल एमिनिटीज के बारे में, आप यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोग बॉडी वाटर बना रहे हैं, इसके आजू बाजू हम लोग का रहेगा जॉगिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक के बगल में आपको मिल जा रहा पार्क, चिल्ड्रन पार्क के बगल में आपको मिल जा रहा ओल्डेस्ट सिटी, ठीक है। ओल्डेस्ट सिटी के जस्ट ही बाद हम लोग उस साइड देख पा रहे हैं, उस साइड हम लोग बना रहे हैं आपका टेनिस ग्राउंड, जो कि आप यहाँ से आराम से प्लेस कर पाएंगे। और सारा यूनिटीज हम लोग यहाँ पार्क वगैरह स्विमिंग पूल क्लब हाउस सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड आसनसोल में मैं जैसे बता रहा था आपको शुरू से कि आसनसोल में एक बहुत बड़ा एमुलेशन होने जा रहा है हम लोग का हिंदुस्तान डेस्टिनेशन फॉर्चून पार्क की ओर। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये जो प्लॉट हम लोग का है यहाँ पर, आपको प्लॉट यहाँ पर मिल जाएगा 4 लाख के दाम से, और डुप्लेक्स आपको स्टार्ट होता है 35 लाख रुपये पर डुप्लेक्स। आप अगर पौने दो कट्ठा के ऊपर लेना चाहते हैं तो फ्रेंड जल्दी कीजिए, बहुत कम ही यूनिट्स है, बहुत कम ही अवेलेबल है, बाकी सारा सेल आउट हो चुका है। जल्दी से जल्दी हमें संपर्क कीजिए और हमें देखिए। धन्यवाद।